सीता माँ की सिंदूर वाली तस्वीर ने मचाया हंगामा। खुद गीता कपूर ने तोड़ी चुप्पी। आखिर क्या कहा गीता कपूर ने, चलिए जानते हैं। कोरियोग्राफर गीता कपूर की एक पिक्चर काफी तेजी से वायरल हो रही है और इस तस्वीर में गीता कपूर सिंदूर लगाए हुए नजर आ रही हैं और इस तस्वीर को किसी और ने नहीं बल्कि खुद गीता कपूर ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया और इसी के साथ हैशटैग ब्राइड भी डाला। ऐसे में लोगों ने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि उन्होंने शादी कब की, और अब कोरियोग्राफर ने इस बात पर जवाब दे दिया है। जी हाँ, गीता कपूर ने हाल ही में एक मीडिया पोर्टल को इंटरव्यू देते हुए बताया कि उन्होंने शादी नहीं की है और ये सब उनके शो सुपर डांसर के आने वाले एपिसोड के लिए किया गया है। गीता कपूर ने कहा, नहीं मैंने शादी नहीं की है, आपको मेरे बारे में पता है, अगर मैं शादी करूंगी तो इस बात को छुपाऊंगी नहीं, और मैं अभी कैसे शादी कर सकती हूँ, मैंने कुछ महीने पहले ही अपनी माँ को खो दिया है, इसलिए ये सब झूठ है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि उनकी तस्वीर में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है, उन्होंने सच में सिंदूर लगाया है। गीता ने कहा, हाँ मैंने सिंदूर लगाया है, ये तस्वीर डांस रियलिटी शो सुपर डांसर के लेटेस्ट एपिसोड की है। इस शो का आने वाला एपिसोड बॉलीवुड के एवरग्रीन हीरोइन के लिए रखा गया है और इसीलिए मैं रेखा जी की तरह तैयार हुई हूँ। जैसे कि सबको पता है मैं रेखा जी की कितनी बड़ी फैन हूँ, मैं उनकी तरह तैयार हुई, वो भी सिंदूर लगाती हैं, इसीलिए मैंने भी सिंदूर लगाया है। वेल, गीता कपूर यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे भी कहा कि ये पहली बार नहीं है जब मैंने अपने मांग में सिंदूर नहीं भरा है, मैंने पहले भी सिंदूर लगाया है, मैं भगवान शिव की भक्त हूँ, इसीलिए हर सोमवार पूजा के बाद मैं सिंदूर लगाती हूँ, यहाँ तक कि मैंने होली पर भी सिंदूर लगाया है, तो मैं सैकड़ों बार इससे पहले भी सिंदूर लगा चुकी हूँ। वेल, यहाँ पर गीता की बातों से साफ है कि उन्हें सिंदूर लगाना बेहद है पसंद, इसीलिए वो अक्सर अपने मांग को भरती हुई नजर आती हैं। वेल, क्या कहना है गीता कपूर पर आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टेलीविजन के लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।